सो बेटा आगे हम क्या देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए बेटा मेरे पास एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है सबको पता है ना, पूर्णांक क्या होता है, जीरो सारी पॉजिटिव संख्याएं मतलब धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा, पूर्णांक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम इन्हें, पूर्णांक। तो इसे हम याद है ना सभी को, हम इसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, है ना। संख्या रेखा पर हम इसे दिखा सकते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन चार माइनस पांच, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, किसी भी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और हमने अभी तक बेटा क्या पढ़ा था कि अगर मैं बोल रही हूँ आपको माइनस चार कहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ बता दोगे मैम ये माइनस चार है। मैं पूछूंगी तीन कहाँ है, तो आप यहाँ पर तीन पे सर्कल कर दोगे। हमने पिछली क्लासेस में ये देखा था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को आप कैसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। ठीक है, मतलब समझो, आपको एक चीज ये तो पता ही है कि जीरो के बेटा दाई तरफ, जीरो के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और जीरो के बाई तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, जीरो के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव, जीरो के बाई तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, क्या इतनी बात मेरी समझ आई है। ये बेटा जब हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखाया था ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि जीरो के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर धनात्मक होते हैं और जीरो के बाई तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं, है ना, आगे बढ़ लेते हैं हम इसी तरीके से। अब मान लो मेरे पास एक परिमेय संख्या है एक बटा दो। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को आपको ना संख्या रेखा पर दिखाना है, मतलब संख्या रेखा ये आपके पास है, जीरो एक दो तीन चार पांच छ, है ना, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच, है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे मैम हम नंबर को तो दिखा सकते हैं, संख्याओं को तो दिखा सकते हैं, आप इस परिमेय संख्या को हम कैसे दिखाएंगे। तो सभी बच्चों को याद है ना मैंने बदलना सिखाया था, किसी भी भिन्न को आप दशमलव में बदल सकते हो, याद है ना, कैसे बदल सकते हैं, आप क्या करोगे, दो से एक को भाग करोगे। अब दो के पहाड़े में एक तो आता नहीं है, तो ऊपर लगाओगे दशमलव, तो जीरो आगे लगा दो, और यहाँ पर जीरो लगाई पांच पे जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, जीरो दशमलव पांच आ गया, है ना। अब जीरो दशमलव पांच कैसे, जीरो से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो आप कहोगे मैम जीरो और एक के बीच में कहीं आएगा ये, और ये पॉजिटिव है, तो आप यहाँ जाओगे जीरो के दाई तरफ, जीरो और एक के बीच में आप कहोगे मैम यहाँ पर ये होगा मेरा एक बटा दो। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है। पुष्पा की आईडी से बेटा ये ना आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अब जो हो रहा है ना ये इस वजह से आपको अब स्क्रीन नहीं दिख रही, क्योंकि अगर और मेरी साइड से होता तो बेटा बाकी बच्चों को भी नहीं दिखती। मैम दूसरा समझाना। हाँ बेटा और भी समझाती हूँ मैं, इतनी बात समझ आई कि बेटा हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक बटा दो का पहले दशमलव में लिख रहे हैं, और दशमलव लिखने से हमें ये पता लग जाएगा वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, फिर उन दो संख्याओं के बीच में हम उस नंबर को लिख देंगे। जैसे एक बटा दो है, तो मैंने एक बटा दो को दशमलव में लिखा जीरो दशमलव पांच, फिर मैंने देखा जीरो दशमलव पांच, जीरो से तो बड़ा है और एक से छोटा है, है ना, तो मैंने जीरो और एक के बीच में इसको लिख दिया। यस, क्या अब मेरी बात समझ आई है या अभी भी डाउट है किसी बच्चे को। मैम ये थोड़ा ये लाइन वाला बताना, लाइन में बेटा देखो जीरो और एक के बीच में आएगा, तो जीरो और एक के बीच में मैंने लाइन डाल के बता दिया, उनके बीच में कहीं पे एक बटा दो आएगा आपका,
एक बटा दो इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे मैं एक और लेती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास है तीन बटा दो, ठीक है। तीन बटा दो को मुझे संख्या रेखा पर दिखाना है, मान लो। तो आप सभी को पता है तीन बटा दो को दशमलव में लिखेंगे तो क्या आएगा? चलो पहले ये बताओ, अगर मैं तीन बटा दो को दशमलव में लिखूंगी तो क्या आएगा? चलिए जरा चैट सेक्शन में बताइए मुझे। बता दो जरा क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या आएगा, है ना। दशमलव में बदलना है इसे मुझे, है ना। तो मैंने दो लिखा यहां और इधर लिखा तीन, तो दो एकम दो, यहां से मेरे पास एक आ गया, ठीक है। दो एकम दो, अब मेरे पास क्योंकि यहाँ एक आ गया, बट मुझे तो क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लगाऊंगी दशमलव, क्योंकि मैं कहां तक सॉल्व करूंगी, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। पांच पे जाएगा तो कितना आ गया यहाँ से, जीरो। तो मेरे पास आया 1.5। 1.5 इतना तो समझ आता है ना सभी बच्चों को कि वो एक से बड़ा है, है ना, और दो से छोटा, यानी कि एक और दो के बीच में आएगा। इतनी तो बात समझ आई ना, एक और दो के बीच में आएगा, है ना। तो आप क्या कहोगे, मैम एक और दो के बीच में कहीं पे आपका 3/2 आएगा। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो। और मुझे एक चीज और बताना बेटा, दशमलव में बदलना आप सबको आता है ना? दशमलव में बदलना सबको आता है ना? कुलदीप की आईडी से बेटा, जब मैंने दशम भिन्न को दशमलव में बदलना सिखाया था, आप क्लास में नहीं थे क्या? आप नहीं लिख रहे हो। तनुज शर्मा की आईडी से बेटा, आप क्लास में नहीं थे तब? मैम हमारा फोन खराब हुआ हुआ था। तो बेटा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी आपने? मैम जब फोन चलता नहीं था, खराब हो रहा था। ठीक है, ठीक है। तो देखो बच्चे, सिंपल है, नॉर्मल भाग करते हैं, शेषफल आ जाता है, उसके बाद हम वहां जीरो लगाते हैं और ऊपर दशमलव लगाते हैं, ताकि हम उसको पूरा सॉल्व कर सके, कहां तक, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। क्या ये समझ आया सभी बच्चों को कि पहले हमें क्या करना है, दशमलव में लिखना है, फिर आप ये देखो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। ऑब्वियसली बेटा जो नंबर भी आएगा उससे बड़ा ही होगा और दूसरे वाले से छोटा होगा, तो उन दोनों के बीच में आपका क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। चलो मैं एक नंबर आप लोगों को देती हूँ, आप लोग मुझे सोच के बताना। मेरे पास है -5/2, ठीक है। -5/2 है, इसे आपको संख्या रेखा पर बताना है। बताओ जरा कहां पर आएगा, थोड़ा सा सोचो और कॉपी में करना, और कॉपियां मुझे जरूर दिखाना सभी बच्चे, ठीक है। मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगी, मुझे कॉपियां दिखाना। पहले कर लो आराम से, पहले उसको दशमलव में बदल लो और फिर देख लेना माइनस का है तो जीरो के वो बाई ओर आएगा, माइनस का है ना तो जीरो के बाई ओर आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले आप क्या करोगे, इसको दशमलव में बदलोगे। देखो यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 5, नॉर्मल पहले भाग किया हमने, नॉर्मल भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2×2=4 आ गया। यहाँ तक तो नॉर्मल जैसे भाग होती है वो कर लिया। अब उसके बाद आपको पता है जब एक शेषफल जो आ गया उसके आगे जीरो लगाओ, यानी कि ऊपर दशमलव लगा दो। आप 2×5=10 होता है, सिंपल। 2.5 यानी कि ये 2 से बड़ा है, 2.5 मतलब क्या हुआ, 2 से तो बड़ा हो गया, है ना, और 3 से छोटा हो गया, 2 और 3 के बीच में आएगा। लेकिन ये माइनस का है बच्चों, ये माइनस का है, तो आप -2 और -3 के बीच में लाओगे इसको, है ना। तो -2 और -3 के बीच में आप क्या कहोगे, मैम -5/2 आएगा। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो। ठीक है, किसी को डाउट है तो बेटा कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो फिर सबको समझ आया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है? सभी से मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? मेरे पास एक जो संख्या है वो है मान लीजिए 25/2, ठीक है? 25/2 नहीं, 15/2 लेते हैं, छोटा रहेगा ना, 15/2। तो 15/2 को आपको संख्या रेखा पर बनाना है, बनाइए और मुझे कॉपियां दिखाना, ठीक है? बना लो और फिर मुझे कॉपियां दिखाना पहले सभी बच्चे। चलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, बट यू आर लेट, आधी क्लास के बाद गुड इवनिंग हो रहा है। टाइम से ज्वाइन कर करो बच्चे, लेट क्यों हो गए? चलो बताओ जरा सभी बच्चे, कॉपियां दिखा देना, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियां दिखा देना। है ना, सभी बच्चे करना और मुझे सभी कॉपियां दिखा देना अपनी अपनी, क्या कर रहे हो आप? वेरी गुड बेटा, अभी तक मुझे किसी ने भी कॉपी नहीं दिखाई अपनी। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, प्रॉब्लम मुझे होनी चाहिए, कॉपी नहीं दिखा रहे तो नो प्रॉब्लम। क्यों? बेटा कॉपी दिखाइए, नोटबुक में आपने कहां पर बनाओगे इसको, संख्या रेखा पर कहां बनाओगे मुझे वो दिखाओ, संख्या रेखा पर कहां बनाओगे वो दिखाइए मुझे। तनुज की आईडी से बेटा किसके बीच बीच में लगाई है ये आपने? 4 और 5 के बीच? नहीं बेटा, 4 और 5 के बीच में कैसे आएगा, दशमलव बदलने पे क्या आया? 7.5। हाँ तो 7.5 बेटा किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है, लेकिन वो तो 7 से भी तो बड़ा है। उससे कौन से दो नंबर के बीच में आएगा बेटा, कौन से दो नंबर से बड़ा, पहले उससे जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा है? अगर आप इसको लिख रहे हो ठीक बताया, 7.5 आएगा, है ना? तो आपने 15 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, तो आएगा आपके 7 पे जाएगा, 14 आ गया, 1 आ गया यहाँ से शेष फल, है ना? तो मैंने ऊपर लगाया दशमलव, यहाँ लिखाया 0, तो 5 पे जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 7.5। अब देखो 7.5 सबसे पहले किससे छोटा है, 7 से मतलब 7.5 किससे बड़ा है, उससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा? 7 होगा, 7 से बड़ा होगा ना, और उस किससे छोटा है? 8 से छोटा है। तो कौन से नंबर के बीच बीच में आएगा बेटा? 7 और 8 के बीच में आएगा, क्या? 15/2। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने ऐसे ही रखा था। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही प्रीति जांगरा की आईडी से। बिल्कुल सही, क्या अब मेरी बात मेरे बच्चों को समझ आई है सभी को? यस और नो, या अभी भी डाउट है? तनु शर्मा की आईडी से बेटा अब क्लियर हुआ मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो हम जो भी नंबर है ना बेटा, उससे जस्ट पहले कौन से नंबर से वो छूट रहा है वो देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए आगे भी कीजिए, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। आपके पास नंबर है यहाँ पर मेरे पास 13/2, चलिए इसको संख्या रेखा पर दिखाइए सभी बच्चे। क्या आया सभी बच्चों का बताइए जरा, 13/2 है, कितना आंसर आएगा?
6.5 आएगा मैम, और 6 और 7 के बीच में मैम, ये 7 से छोटा और 6 से बड़ा है। यस यस प्रीति झांगरा की आईडी से भी, वेरी गुड बेटा। यस आपने इसको दशमलव में बदला, 6.5 आएगा है ना। 6.5 को आप जब बदलो लिखोगे तो 6 और 7 के बीच में आएगा बीच में आएगा, यस बेटा, मैम। में क्या लिखोगे। वेरी गुड। जोगिंदर तनवर की आईडी से, तनुष की आईडी से, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से, सुनीता कुंद्रू की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। विष्णु लोहिया की आईडी से, वेरी गुड बच्चे है ना। सो हमने यहाँ पर क्या किया, एस को लिखा 6.5, कैसे 2 से किया, यहाँ से 13 से, 2 6 12 होता है, माइनस ए मतलब एक आ गया शेषफल, मैंने ऊपर लगाया दशमलव, यहाँ लगाया 0, अब किस में जाएगा, 5 पे 2 पंजे 10 होता है ना। तो यहां से मेरे पास आ गया 6.5। अब ये मुझे पता है 6 से बड़ा है, उस मतलब 6.5 जस्ट कौन से नंबर से बड़ा है, पहले 6 से, और कौन से छोटा है, 7 से छोटा है। तो आप क्या करोगे, संख्या रेखा बनाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 7। तो अभी आपने देखा 6 और 7 के बीच में आप लगा दोगे 13/2। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो बच्चे लगा दीजिए जल्दी से, यस और नो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब सभी बच्चे लिखेंगे मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं है ना, आगे बढ़ लेते हैं और हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है चलो, अभी जैसे हमने देखा कि 1/2, एक मिनट दीजिएगा बच्चों, स्क्रीन में भी आपके पास स्क्रीन चली गई होगी, एक सेकेंड। एक सेकेंड दीजिएगा। यस बस सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना, एक बार चैट सेक्शन में लिख देना। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी। सो बच्चा अभी मैं जैसे हमने देखा 1/2 को हम कैसे संख्या रेखा पर लिखते हैं, ऐसे ही बच्चे हमने माइनस में होगी तो हम माइनस वाली साइड चले जाएंगे है ना। अभी मान लो 5/2 है, मुझे इसे लिखना है, तो मैं 5/2 को पहले दशमलव में लिखूंगी, कितना आ जाएगा, 2.5, 2.5, और पता है 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो 2 और 3 के बीच में आप क्या कहोगे कि मैम 5/2 आ जाएगा है ना, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में 5/2। बेटा अगर यही यहां पर माइनस में होता तो -5/2 तो हमारा कहां पर आता, आता वो 2 और 3 के बीच में ही, लेकिन माइनस 2 और -3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में आता। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि अगर माइनस का है तो हमें माइनस वाली साइड जाना है। इतनी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सभी बच्चों से, मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक संख्या है -3/2, ठीक है -3/2, इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, बताओ जरा कहाँ पर आएगी, करिए और कॉपी में दिखा दीजिएगा मुझे, अपनी अपनी कॉपियां दिखा दीजिएगा बेटा, पोल में भी पूछूंगी, पहले आप मुझे कॉन्फिडेंट तो आ जाए कि आपको समझ आ गया है। -3/2 एक करके दिखाओ कॉपी के अंदर, फिर मैं देख पूछूंगी। ठीक है यस ठीक है वेरी गुड।
सुनीता कुंदू की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा ये माइनस का है तो जीरो के दाई तरफ तो नहीं आएगा, ये तो बाई तरफ आएगा। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, तनुज की आईडी से वेरी गुड बेटा, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड। देखो अगर मैं माइनस की बात करूं तो जीरो के बाई और आएगा, है ना। तो आप पहले देखो 3/2 को आप दशमलव में कैसे लिखोगे, है ना। 2 एकम 2 पे जाएगा, यहां से आ गया ऊपर लगाया जीरो, तो मतलब यहाँ लगाया जीरो ऊपर लगाया दशमलव, 5 पे जाएगा तो यहाँ से आ गया 1.5, लेकिन माइनस का तो मतलब माइनस का 1 से बड़ा होगा और माइनस के 2 से आपके बीच में आएगा, मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा बच्चे। तो यहाँ पर आएगा आपका -3/2, -1 और -2, क्योंकि माइनस वाला संख्या है ना बच्चे, तो जीरो के बाई तरफ वाली, बाई तरफ हमेशा माइनस की संख्याएं आती हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि कैसे ये -2 और -1 के बीच में आई, यस -1.5 आएगा, 1.5 आएगा, है ना। यस 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 यस, सभी बहुत समझ आ गया है। चलो फिर एक क्वेश्चन का मुझे सभी बच्चे आंसर करिए, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको बताना है -5/2 जो है वो जीरो के किस तरफ आएगा, दाई तरफ होगा या बाई तरफ होगा। अभी भी आपको पता है, अभी हमने देखा है कि माइनस वाली संख्या किस तरफ आती है, जीरो के दाई तरफ या बाई तरफ, ठीक है। ए और बी है, ए दाई ओर है बी बाई ओर है, बना लो ताकि गलती ना हो। बेटा -5/2 है वो जीरो के किस तरफ आएगा, बना लो, बना के देख लो। मैम और बच्चों अभी हमने सीखा है माइन जीरो के दाई ओर कौन सा आती है, पॉजिटिव आती है नेगेटिव, या जीरो के बाई ओर पॉजिटिव आती है नेगेटिव, फिर भी आप चैट में गलत कर रहे हो। हाँ बच्चों -5/2 है वो जीरो के किस तरफ आएगा, दाई तरफ या बाई तरफ। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो दो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर देंगे। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, बेटा -5/2 चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा माइनस की संख्या है तो कोई भी हो, आपको पता है आपके पास ये संख्या रेखा है जीरो के दाई ओर यानी कि राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं, है ना, राइट साइड पर, और जीरो के बाई ओर यहां पर आपकी सारी, आपकी कौन सी होती है, बाई ओर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव संख्याएं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बी ही लगाया है। क्या जितना अभी तक हमने पढ़ा बेटा सभी बच्चों को क्लियर हुआ है, यस और नो, यस और नो। ठीक है तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।